दोस्तों नया साल शुरू हो रहा है, कंफ्यूज मत होइए। यह कैलेंडर ईयर वाला नहीं है या फाइनेंस वाला नया साल जो जनवरी से दिसंबर नहीं बल्कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। दोस्तों फरवरी में सरकार जो बजट पेश करती है उस बजट में जिन जिन बदलाव स्कीम्स और नियमों का जिक्र होता है वे सभी 1 अप्रैल से लागू होते हैं। और दोस्तों इसमें कई ऐसे नियम भी होते हैं जो बजट में तो अनाउंस नहीं होते लेकिन अलग अलग मंत्रालय और सरकारी विभाग उन्हें लागू करता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि वो कौन कौन से नियम जो कैलेंडर पर 1 अप्रैल की तारीख लगते ही हमारे लिए लागू हो जाएंगे। दोस्तों पहला बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा है। दोस्तों आपको अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करना है। दोस्तों पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी लेकिन 28 मार्च को सरकार ने इसके ड्यू डेट को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। दोस्तों पैन कार्ड के लिंक ना करने से आपको किस तरह के मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और इसे किस तरह आधार से लिंक कर सकते हैं इसका डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों दूसरा बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू होने वाली है वह पीएफ से जुड़ा। दोस्तों अगर आपका पीएफ अकाउंट है और आपका पीएफ और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है और अगर आपका पीएफ अकाउंट खोलने के 5 साल पूरे होने से पहले अगर आप अपना पैसा पीएफ अकाउंट से निकालते हो तब आपको टीडीएस देना पड़ता है। दोस्तों अब तक यह टैक्स 30% की थी लेकिन 1 अप्रैल से यह घटकर 20% हो जाएगा। लेकिन आपको टैक्स लगाने की जरूरत ही क्या है, इसलिए आप तुरंत अपने पीएफ को आधार से लिंक करा लो। दोस्तों अगला बदलाव सोने के कारोबारियों से जुड़ा है। दोस्तों इस नए नियम के अनुसार अब से कोई भी सोना बिना हॉलमार्क कोड के बेचा नहीं जा सकेगा। दोस्तों हॉलमार्क 6 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है और इससे पता चलता है कि आपका सोना असली है या नहीं। दोस्तों सोना केवल आभूषण की तरह यूज नहीं होता, इसका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हो जब आपको पैसे की जरूरत होती, तब आप अपने घर में रखे सोना आसानी से बेच सकते हो। लेकिन अगर यह सोना ही नकली निकले तो, इसलिए यह नया नियम काफी अच्छा नियम है। दोस्तों अगर आप चाहो तो खुद भी पता कर सकते हो कि आपका सोना असली है नकली। इसके लिए आपको केवल BIS केयर ऐप पर आपको सोने के ऊपर लिखा हुआ HUID कोड डालकर उसे चेक करके सोने की शुद्धता पता कर सकते हो। दोस्तों अगला बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा है। दोस्तों 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो जाएगा। पुराना वाला टैक्स सिस्टम भी चलता रहे लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में काफी अच्छे बदलाव किए गए हैं। न्यू टैक्स रेजिम में नए टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नए टैक्स स्लैब में अगर आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगला बदलाव इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा। 1 अप्रैल 2023 के बाद से अगर आप कोई ऐसा इंश्योरेंस लेते हो जिसका साल का प्रीमियम 5 लाख या उससे ज्यादा है तो उस इंश्योरेंस पर मिलने वाली राशि पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक अच्छी खबर है कि अगर 31 मार्च या उससे पहले की गई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों अगला नया नियम सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख हो जाएगी। दोस्तों इस योजना में सीनियर सिटीजन को 8% का अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है और इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से इन्हें टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। दोस्तों अगला नया रूल यह है कि आपको अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी को 31 मार्च तक ऐड करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा जिसके कारण आप शेयर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। दोस्तों डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को कैसे ऐड करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला बदलाव यह है कि अब से 1 अप्रैल से सारी गाड़ियों जिनकी रजिस्ट्रेशन 15 साल पुरानी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। इनमें कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह की गाड़ियां शामिल। दोस्तों 1 अप्रैल से महिलाओं के लिए काफी अच्छी न्यूज आने वाली है। 1 अप्रैल से महिला बचत पत्र योजना शुरू होने वाली है जिसमें पैसा जमा करने से फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। Thank you for watching this video.